हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग सी, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं शब बारात स्पेशल चने दाल के हलवे की रेसिपी। ये रेसिपी मेरी अम्मी की रेसिपी है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है ये, और बहुत ज़्यादा सुपर हिट रेसिपी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक, वीडियो पसंद आएगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। और चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। इस रेसिपी के लिए यहाँ हमने सबसे पहले लिया चने की दाल 400 ग्राम्स। ऐसे चलिए एक से दो बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और यहाँ देखिए, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे सारे अच्छे से गंदगी निकाल लिया है। अब इसे हमने पानी डाल करके इसे सोक होने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए हम साइड पर रख देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मैंने लिया है छुहारे, ये सूखे वाले जो आते हैं ना डेट्स, जिसे हम खुरमा भी बोलते हैं, ये मैंने लिया है 100 ग्राम खुरमा। तो उसे इस तरह से तोड़ करके उसके सीड्स को हमने निकाल लेना है। और यहाँ पर ये लगभग 1 कप है 100 ग्राम। इसे मैंने क्या करना है ना, इसे एक से दो बार पहले वॉश कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो भी गंदगी है वो निकल जाए। और इसे मैंने देखिए वॉश कर लिया है। अब इसमें भी हमने पानी डाल करके इसे सोक होने के लिए आधे घंटे के लिए हम साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर अब हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को भी सोक होने के लिए रखना है। और यहाँ देखिए, मैंने खोपरा लिया, इसे हम बाद में कट करके यूज़ करेंगे, तो इसे अभी हम साइड पर रखते हैं। और ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इसकी क्वान्टिटी मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दी है। तो इसे चलिए एक से दो बार वॉश कर लेते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने इसे वॉश कर लिया है, और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे सोक होने के लिए आधे घंटे के लिए साइड पर रख देंगे। हाफ एन आवर हो चुके हैं, तो यहाँ पर दाल भी अच्छे से सोक हो चुका है, तो इसे हम बॉईल करने के लिए कुकर में ऐड कर देंगे। तो दाल को तो हमने पहले ही वॉश कर लिया था ना, तो इसे मैं इसी पानी के समेत यहाँ पर कुकर में ऐड कर दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा दाल में मुझे पानी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी और यहाँ पर ऐड करना है। तो आपने यहाँ पर जो पानी ऐड करना है ना, वो आपने अंदाज़न इतना ही ऐड करना है जितना ये दाल गलने के बाद में बराबर हो जाए, मतलब इसमें सूख जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको डर है कि वो नीचे से चिपक जाएगा, तो आप इसे किसी देगची में आप इसे अलग से बॉयल कर लीजिए, और फिर इसके पानी को आप डिस्कार्ड कर सकते हैं छानने के बाद में। लेकिन मैं इसी तरह से करती हूँ, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर रख दिया है देखिए। और यहाँ पर फ्लेम को आप हाई रखेंगे, एक विसल आएगा, फिर मैंने फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो कर देना है, और इसे 3 विसल आने तक पकाना है। और चलिए इसे पका लेते हैं फिर। और जब तक कि दाल हमारे अभी बॉईल हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने जो सोख होने के लिए रखा था ना, ये देखिए, इसे मैं मिक्सी के जार में ऐड करके इसका एक फाइन सा हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ देखिए, इसका मैंने एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है, तो इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। और इसी सेम मिक्सी के जार में हमने क्या करना है, वो जो खुरमा हमने सोक होने के लिए रखा था, ये भी हम डाल करके इसका भी एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ देखिए, ये खुरमे का भी मैंने एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है। तो बस यहाँ पर अब हमने इसी पेस्ट में हम इसे मिला लेंगे। और ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, तो अभी हम इसे ढक करके साइड पर रख लेते हैं। और इधर ये देखिए, ये 3 विसल हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर प्रेशर डाउन होने के लिए नहीं दिया है, इसका प्रेशर हमने निकाल दिया है। 3 विसल में ये आराम से हो जाता है, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ देखिए, ये दाल हमारा बिल्कुल परफेक्ट पककर रेडी है, पानी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है, जितना पानी हमने दिया था वो बिल्कुल बराबर हो चुका है, और ये दाल भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो ये देखिए, ये मैं इस तरह से कर रही हूँ ना, तो ये देखिए, ये आराम से मैश हो जा रहा है। लेकिन दाल देखिए, ये सारे अपने बिल्कुल इसका शेप चेंज नहीं हुआ है, तो इस तरह से आपने दाल को रखना है। दाल बिल्कुल मैशी मैशी सा होना चाहिए, इस तरह का ही दाल हमने पकाना है। और अगर आपको कुकर में नहीं हो पाता है, तो आप इसे देगची में ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाते हैं काम। तो बस इसे हमने एक प्लेट में निकाल लेना है अच्छी तरह से, और यहाँ पर इसे हम ठंडा होने के लिए बिल्कुल रख देते हैं एक फैन के नीचे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये दाल देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है, पूरे रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। तो अब हमने इसे ग्राइंड करना है, तो यहाँ मिक्सी के जार में हम इसे बैचेस में ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर इसे थोड़ा थोड़ा सा हम ऐड करते हैं, और फिर इसे ग्राइंड करके इसका एक पाउडर बना लेंगे। पाउडर नहीं, मतलब पेस्ट भी नहीं है, पाउडर भी नहीं है, पर ये इस तरह का होगा, देखिए इसका क्रम्बल टेक्स्चर होगा, इस तरह से ड्राई ड्राई सा होगा, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने दाल को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं। और इसी तरह से दाल जब होते हैं ना, तो परफेक्ट अच्छा दानेदार हलवा हमारा बनता है। तो इसी तरह से आप कोशिश करेंगे कि दाल जो हम गलाते हैं, तो उस वक्त ही आपने पूरा ध्यान करना है कि दाल हमारा मैशी नहीं होना चाहिए। तो दानेदार हलवे के लिए दाल का गलाना अच्छे तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसी तरह से सारे इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, और यहाँ पर जिस कढ़ाई में हमने बनाना है ना, तो उसी में मैंने सारा ऐड कर लिया। अब चलिए इसे गैस के ऊपर रख लेते हैं।
और यहाँ इसे मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखा है और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यूस स्टर करते हुए इसे भूनना है, पकाना है। और यहाँ पर देखिए ये जो मैंने चम्मच लिया है ना, इसे छोलनी बोलते हैं, इसके एजेस इस तरह से शार्प होते हैं तो इसकी वजह से ये बिल्कुल तले से अच्छे से इससे हम चला पाते हैं। तो आप इसी तरह का कोई चम्मच लेंगे, स्पैचुला लेंगे, यहाँ पर मैंने क्योंकि नॉनस्टिक बर्तन नहीं लिया है इसलिए ये चिपकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छे से कंटिन्यूस स्टर करते हुए पकाना है ताकि ये बिल्कुल तले से ना लगे, जब तक कि ये अपना कलर ना चेंज करते और इसके ऊपर से अच्छी अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और यहाँ पे अराउंड मैंने इसे 30-35 मिनट्स के लिए भूना है लो फ्लेम पर। और यहाँ पर जब ये टेक्सचर इस तरह से पहुँच जाएगा ना, ये देखिए ये दानेदार सा दिख रहा है और बिल्कुल बेसन की तरह ये ड्राई सा हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी बेसन को भूना है और ये इस तरह से टेक्सचर हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी और अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी आपको दाल के भूनने की। तो बस इसी स्टेज पर हमने नेक्स्ट ऐड कर देना है दूध। तो यहाँ पर मैं टोटल 1 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 4 कप दूध लिया है, तो ये 250 ml का कप होता है, तो ये 4 कप 1 लीटर है। तो बस ये सारा हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऐड करना है हमने ये ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट, जो हमने खुरमे और ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाया था वो हम सारा ऐड कर देंगे। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है और फ्लेम को अभी यहाँ पर बिल्कुल हाई नहीं करेंगे, आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ही ये सारा काम करेंगे। और यहाँ देखिए ये मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और यहाँ पर अभी हमें इसे कंटिन्यूस स्टर करते हुए इसमें बॉयल लाना है। और यहाँ पर बहुत ज़रूरत है आपको संभलने की, क्योंकि इसमें एक बार जब बॉयल आ जाता है ना, तो ये देखिए ये इस तरह से बबल्स फूटने लगते हैं इसमें और ये चिटक चिटक के आपके ऊपर भी पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इससे बचने के लिए आपने क्या करना है ना, इसे कंटिन्यूस स्टर करते रहना है ताकि ये छिटक कर आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा छिटकता है यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसे ढक कर रख भी नहीं सकते, बिना चलाए रह भी नहीं सकते, क्योंकि ये तले से लग जाएगा। तो इसे आप कंटिन्यूस स्टर करते रहें और देखिए यहाँ पर भूनते भूनते ये इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा सा होता जाएगा, लेकिन आपने भुनना बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है, ये थोड़ा सा हाथ दर्द करने वाला है, लेकिन अगर आपके घर पे कोई है तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा और भूनते हैं हम, और ये भूनते भूनते इस तरह से जब गाढ़ा हो जाए ना, तो यहाँ पर आपने ऐड कर देना है घी। तो यहाँ पर मैंने 125 ml लिया है घी और आधा हम बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड कर देना है ये गरी, ये गरी को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और ये लगभग 1/2 कप है, तो ये हम ऐड कर देंगे। और बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं होती है, तो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को हमने कर देना है अच्छे से मिक्स, और ये घी की वजह से ये अच्छे से हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इसे चलाना। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और भूनते हैं घी के साथ में थोड़ी देर लिए। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा अपना कलर चेंज करने लगा है अभी, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल एक काम करना ना, ये छोड़ना नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ेंगे ना तो ये तले से लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा टायरिंग प्रोसेस होता है, हाथ दर्द होने लगते हैं, तो घर में अगर कोई है तो प्लीज़ आप उनसे हेल्प ले लें ज़रूर। तो इस तरह से आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूस स्टर करते हुए इसे भूनना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए और भुना था, उसके बाद ये देखिए इस तरह से ड्राई हो जाएगा और ये इस तरह से पैन को थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पर इसी स्टेज पर हमने ऐड कर देना है शुगर, तो ये मैंने लिया 200 ग्राम शुगर 1 कप बराबर करके हैं, और इससे ये काफ़ी अच्छा मीठा हो जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा आप चेक करके आप अपने मुताबिक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड कर देना है इलायची का पाउडर, ये मैंने फ्रेश इलायची का पाउडर बनाया है 5 से 6 इलायची का, तो ये पाउडर हम ऐड कर देते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इन सारी चीज़ों को हमने करना है मिक्स और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे कंटिन्यूस भूनना है, जब तक कि शुगर पूरा मेल्ट नहीं हो जाता और ये हलवे का कलर नहीं चेंज हो जाता। और यहाँ पर देखिए ये शुगर पूरा मेल्ट हो चुका है, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने फिर से यहाँ पर 125 ml घी ऐड किया है, तो टोटल घी जो हमने ऐड किया है ना वो है 250 ml। तो बस यहाँ पर इतना ज़्यादा इनफ रहेगा, बहुत ज़्यादा घी करके भी हमारे ही पेट में जाने, इसलिए थोड़ा कम ही घी यूज़ करें। तो यहाँ पर बस हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पर चलिए इसे थोड़ा सा भूनते हैं, क्योंकि अभी ये डिज़ायर्ड कलर जैसा हमने चाहिए वैसा नहीं आया है, हमें इसे थोड़ा और भूनना है और पकाना है। और यहाँ पर देखिए ये हलवे को मैंने थोड़ा और भून लिया और यहाँ पर ये कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ब्राउन कलर का हो चुका है, और यहाँ पर ये इस तरह से पैन को छोड़ने लगेगा। तो बस यहाँ पर ये हमारा हलवा डन हो जाता है। और ये जो टोटल प्रोसेस है ना इस हलवे को भूनने की, तो ये मुझे पूरा टोटल
1 घंटा 15 मिनट लग चुका है, तो काफ़ी समय लगता है और बिल्कुल हाथ की तो बैंड बज जाती है। इसलिए प्लीज़ अगर घर में कोई है तो ज़रूर उनकी हेल्प ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये हमारा हलवा रेडी हो गया है। चलिए यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया और चलिए सर्व कर लेते हैं। और यहाँ ये हमारा चना दाल का हलवा बनकर रेडी हो गया है। बनाते तो हर कोई है अपने घर में क्योंकि बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी है, लेकिन हर किसी का टेस्ट अलग होता है। लेकिन ये जो मेरी मम्मी की जो रेसिपी है ना, ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही सुपर डुपर हिट रेसिपी है। जिसने भी खाई है सबको पसंद आया है, तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो एक बार तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे मेरे इस रेसिपी के साथ में, फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। और इसके ऊपर देखिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी कारीगरी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पसंद है इस तरह से कारीगरी करना, थोड़ा सा डिश को प्रेजेंट करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलमंड को पील कर लिया था, उसे हाफ में कट कर लिया है, उससे हम बनाएंगे फ्लावर। तो बहुत ही अमेजिंग सा लुक आता है इस तरह से, कोई शादी हो, पार्टी हो, अगर छोटे मोटे फंक्शन जो हमारे घर में होते हैं उसमें जो हम लोग डिश बनाते हैं खुद से, तो इस तरह से आप प्रेजेंट करके अगर आप अपने डाइनिंग को टेबल को इस तरह से डेकोर करेंगे ना, लगाएंगे अपने डिश को, तो 4 चांद लग जाएंगे आपके पार्टी में। तो ज़रूर ट्राई करेंगे इस तरह से, मुझे तो अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है इस तरह से डिश को प्रेजेंट करना, या आपको वक्त की बर्बादी लगती है, मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं बताएंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़े से पिस्ताचियो मैंने लगा दिए हैं और इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत से डिश बन जाती है। और यहाँ पर जो इसके भूनने का प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा मेन है। तो मैं आपको एक किस्सा बताते चलूँ कि हम लोग क्या करते थे ना, अपने भाई को काम पर लगा देते तो वो बेचारे भूनते थे। तो इस तरह से अगर आपके भी कोई भाई वगैरह है ना, तो उनको भी काम पर लगा दीजिए, शिव बरात का हलवा बहुत ही ईजी तरीके से मिल बांट कर बन जाएगा। तो बनाइए इस रेसिपी को, फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है रेसिपी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर जाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलती रहे। और यहाँ पर देखिए ये कितना खूबसूरत सा डिश प्रेजेंट हो गया। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको उतनी कारीगरी नहीं करनी है तो इस तरह से सिंपल तरीके से बना सकते हैं।